याली मदर, एक सवाल जो मौसूल हुआ है वो ये कि नमाज जो है वो मस्जिद में मर्द पढ़ाते हैं जबकि जमात खाने में लड़कियां भी दुआ पढ़ाती हैं, तो ये फ़र्क क्यों है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नमाज या शरीयत के अंदर, दुरुस्त क्वेश्चन इस तरह से होगा कि शरीयत के अंदर सिर्फ एक मर्द ही नमाज को लीड कर सकता है, जबकि हम देखते हैं कि जमात खाने के अंदर लड़की भी दुआ पढ़ाती है। तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि क्या ये शरीयत के अंदर अलाउ है, और दूसरा क्यों, व्हाई? ठीक है, ओके। जिस तरह से इस सवाल से ही हमको पता चल गया कि शरीयत के कुछ कवानीन होते हैं, देर आर सम लॉज ऑफ शरीयत, राइट? इस्लाम के चार स्टेप्स हैं, देर आर फोर स्टेप्स इन इस्लाम, शरीयत, तरीकत, हकीकत एंड मारिफत। व्हेन वी टॉक अबाउट शरीयत, एग्जांपल वुड बी लाइक ए स्मॉल बेबी। एक छोटा बच्चा जो है वो सिर्फ वो ही कर सकता है कि जो उसको करना है, फॉर एग्जांपल सारा दिन सोना, क्राई करना और मिल्क पीना, बस ये इनका काम है। इसका काम और कुछ भी नहीं है, वो खाना भी नहीं खाता है, कुछ भी नहीं करता है, राइट? तो जब शरीयत के अंदर हम होते हैं तो हमको हर चीज़ मिनिमम लेवल पे करनी होती है। शरीयत में मर्द जब हम बोलते हैं तो मर्द का मतलब होता है उस्ताद, और शरीयत में जब हम खातून बोलते हैं गर्ल, तो गर्ल का मतलब होता है स्टूडेंट शरीयत के अंदर, ओके? कैन अ स्टूडेंट टीच अ टीचर? नाउ अ टीचर टीचेस स्टूडेंट। तो शरीयत के अंदर एक लड़की नमाज नहीं पढ़ा सकती है, क्यों? कि वो ऐसा हुआ कि जैसा कोई मोमिन बोले कि मैं अपने इमाम को सिखाऊंगा, नॉट पॉसिबल, राइट? वी लर्न फ्रॉम इमाम एंड इमाम टीचेस एंड वी लर्न। तो शरीयत के अंदर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई लड़की दुआ नहीं पढ़ा सकती है शरीयत के अंदर। तरीकत के अंदर जब हम आते हैं तो हमको समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि दुआ किस तरह पढ़नी, क्यों पढ़नी और कब पढ़नी, थ्री थिंग, व्हाई, व्हेन एंड वेयर, ठीक है? तो जब हम तरीकत से सीख लेते हैं तो हम हकीकत के अंदर आते हैं। हाँ, आज हम इस्माइली जो है वो हकीकत के अंदर है। हकीकत का इंग्लिश का वर्ड है द ट्रूथ। नाउ वी नो द ट्रूथ एंड व्हाट इज द ट्रूथ, कि वी आर ऑल वन। यहाँ तो ना कोई लड़की है ना कोई लड़का है। इन द आई ऑफ द इमाम वी आर ऑल स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। व्हेन इमाम से माय स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, डज ही टेक ऑल द गर्ल्स एंड से गो आउटसाइड एंड आई एम टॉकिंग टू द बॉयज ओनली? ही डज नॉट डू दैट, डज ही? इज अ माय स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। इन हकीकत वी आर ऑल वन एंड द सेम। इफ यू आर ऑल वन एंड द सेम, तो ये सवाल खत्म हो गया कि लड़कियां दुआ पढ़ा सकती है कि नहीं पढ़ा सकती है, बिकॉज इट डज नॉट मैटर। तो हकीकत के अंदर बिल्कुल लड़कियां दुआ पढ़ा सकती है और वो जायज़ है और वो दुरुस्त है, बिकॉज इन द आई ऑफ द इमाम वी आर ऑल वन एंड सेम। इसका प्रूफ ये है कि जब इमाम तशरीफ लाते हैं और इमाम जब हमको बेतुल ख्याल के लिए इसमें आज़म देते हैं, तो इसमें आज़म देते वक्त इमाम हरगिज़ ये नहीं बोलते हैं
कि ये सिर्फ मर्द के लिए है, नहीं बोलते है ना, क्या बोलते हैं, जो भी इसमें आदम लेना चाहे वो आ जाए और सबको बराबर बराबर इसमें आजम देकर, सबको बराबर बराबर दुआ आशीष देकर, और कहते हैं अब जाओ और अपने इसमें आजम को पूरा करो और इबादत करो। इसका मतलब है कि सबके लिए बराबर बराबर चांसेस हो गया। अगर सबके लिए बराबर बराबर चांसेस हो गया, मीनिंग वी आर ऑल वन। तो मौलापा ने अभी रिसेंटली कैनेडा के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर लेक्चर, मौलापा ने एक वर्ड यूज़ किया और वो था नफ्सुल वायदा। नफ्सुल वायदा ये सूरह निसा की आयत नंबर पहली है कि वी आर ऑल फ्रॉम वन सिंगल सोल। इफ वी आर ऑल फ्रॉम वन सिंगल सोल, ऑन द लेवल ऑफ द सोल देर इज नो गर्ल एंड देर इज नो बॉय ऑन द लेवल ऑफ द सोल। ठीक है, इसलिए लड़कियां जमात खाने में दुआ पढ़ा सकती है और ये दुरुस्त है।